आलोट में नगर परिषद नरक परिषद सिद्ध हो रही है। नगर में जहां देखो वहां सड़कों के हाल बेहाल है। बारिश के कारण गड्ढे पानी से भर जाते हैं, जिसके कारण लोग गिरकर चोटिल हो रहे हैं। वहीं नगर की सड़कें भी जन चर्चा का विषय बनी हुई हैं। कई बार खबर प्रसारित होने के बावजूद भी नगर परिषद में कोई सुध लेने वाला नहीं है। नगर के हालात वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में होने के बावजूद भी किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिससे ऐसा लग रहा है कि आलोट नगर परिषद नहीं नरक परिषद बनते हुए दिखाई दे रही है। वहीं कहीं कहीं जगहों पर पानी की गंभीर समस्या है, कहीं जगह पर पानी की व्यवस्था भी विफल दिखाई दे रही है। नगर में कई प्रकार की समस्या का सामना जनता को करना पड़ता है। इसी के बीच नगरीय निकाय चुनाव भी हो गए, जनता ने वोट देकर पार्षद को भी चुन लिया है। देखना है कि नव निर्वाचित पार्षद कब इन सड़कों की सुध लेकर इनको ठीक करवाते हैं। गड्ढे गड्ढे वर्षों हो गए। कितने वर्षों से यह समस्या हो रही है? पाँच सात तो हो गए होंगे। अभी तक किसी का संज्ञान नहीं? कोई नहीं, सब आर्थन ने पार्षद ने सब बाहर से चले गए। नगर में बहुत सी जगह ऐसे गड्ढे हो रहे हैं, इनसे क्या है कि बहुत दिक्कत आ रही है बाजार में। और आए दिन ये वाहन वाले जो चलते हैं, वाहन चलते हैं, ये कीचड़ उछाड़ के निकल जाते हैं। अभी सवारी के हिसाब से भी इन गड्ढों को कुछ किया नहीं जा रहा है, हर साल यही दिक्कत आ रही है। मेरा ये कहना है कुछ ही दिनों बाद नगर का सबसे बड़ा उत्सव शाही शंकर सवारी आने वाली है। राजेंद्र चौक से लखाराकोई विट्ठल मंदिर तक जो बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं, जो विकास के गड्ढे हैं, उनको स्थायी रूप से बंद किया जाए ताकि नगर में सवारी सुचारू रूप से निकल सके।